बाबा एक पोज मार ना जरा अशी फ्रंट डबल बायसेप्स चला रे चला फटफट हा दादू एकदम पोट बाहेर येत आहे ए चला ए बाबा चला सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आप सभी का दोस्त श्रेयस और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में गाइस। तो ये है हमारा स्टे। अब बजे है दोपहर के 12:30 1 आई गेस। टाइम तो देखा ही नहीं है, टाइम का पता चल भी नहीं रहा है यहाँ पर। एंड अभी हम जा रहे हैं स्वीट वाटर लेक। पसीना तो देख ही सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एंड इसीलिए जा रहे, थोड़ा सनबाथिंग भी करेंगे। हरमबोल में है स्वीट वाटर लेक, सो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं, वही छोटा मोटा बे सालो गाली मत दो। चलो चलो गाइस गल गया मेकअप गल गया भाई। ए बस मार फेकून दयात काय गल गया मेकअप। हाँ मग अशी तेच तर दाखवत होता, आपली सीट ना पुढे येते माझ्यामध्ये। हाँ मला पण तेच वाटतं, मी तुला बोललो सीट कव्हरचा शॉट लागतो। सो गाइस ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए, चल रहे हम लोग स्वीट वाटर लेक के लिए एंड ये सब कैरी कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पर ऊपर आई गेस कुछ मिलता नहीं है। वाह बहुत धूप है यार, बहुत धूप है। और ऑलमोस्ट ये माउंटेन एक है, माउंटेन को कर्व टर्न लेके हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अभी यहाँ पर तो पूरा खाली है आई गेस यार, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है पूरा। और वहाँ पर ऊपर देखो पैराग्लाइडिंग, मनाली की याद आ गई गाइस। जीनू जीनू भाई ने पैराग्लाइडिंग की थी ना। हाँ क्या हो रहा पता, ये जो सैंड है ना ये बहुत गर्म हो गई है, तो चलते चलते आप देख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा सैंड उड़ता है इसमें से, थोड़ा बहुत अगर आप पे उड़ जाए ना चटके लग रहे, इतना गर्म है कि यार इसमें मूंगफली भी गर्म हो जाएगा। अभी यहाँ से वहाँ तक कवर कर लेते हम लोग एंड देन मिलते हैं। आई गेस यहाँ से जाना है। एंड गाइस स्वीट वाटर लेक पर गए तो थे, बट हुआ ऐसा कि स्वीट वाटर लेक पे अलाउड नहीं किया बिकॉज इट वॉज प्राइवेट लेक। सो हम लोग फिर आ गए यहाँ पर बीच पर। और ये लोग देखो, हाँ फुल मजे चल रहे हैं भाई, लेके आ रहे हैं सब खोद खोद के। देखो देखो 13 लोग में से 2 लड़कियां छोड़ के, मुझे छोड़ के 10 लोग सब एक बंदे के पीछे भाग रहे। सो दादूस मजा आया? एकदम बढ़िया। हाँ दादूस तो भाई ये रेती उठा रहा है और मार रहा है सबको।
पकड़ लिया वहां पर, वो लोग को पकड़ लिया उसने। ओहो वहां पर दो फॉरेनर सोए हुए और वो लोग देख के ना ऐसे हंस रहे ना, मतलब क्या कर रहे उनको ही नहीं पता ऐसा वाला होता है। सो गाइस अभी बजे है 2:30 ऑलमोस्ट, और फिर 2:30 बजे तो हम लोग सोच रहे कि मड बात का भी एक यहाँ पर एक है तो प्लेस है, तो हम लोग सोच रहे कि मड बात कर ले, अब देखते हैं टाइम बचता है या फिर नहीं है, बिकॉज शाम को हमें जाना है बागा और वेगेटोर बीच। लेट्स सी कैसे क्या होता है, फिलहाल तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ टेंशन नहीं है। एंड अरे यार जाओ ना यार, बिकॉज कैसा है ना टाइम सोच के लेके चलेंगे तो फिर यार एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसके लिए फिर बोला कि कर लो एंजॉय, देखते हैं शाम का क्या है वो। रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे, क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। हाँ सो पाटिल एंजॉयड, मजा आ गया ना, मजा आ गया अनमोल, हाउ वाज इट, मजा आ गया ना। ये लोग का फोटो सेशन चल रहा है, अभी पानी गर्म हो गया, अबे चलना गाइस, ये है स्वीट वाटर लेक एंड सो गाइस यहाँ पर बाउंड्री और ये जो आपको दिख रहा है ना ये जगह नहीं है एक्चुअली, ये सूखे पत्ते हैं जो ऊपर तैर रहे हैं, और ये जो भी है स्वीट वाटर लेक इतना ही है, यहाँ पर लोग गेम्स खेलते हैं, वहाँ पर मड बात होता है कॉस्ट पैसे देकर। क्या क्या बोल रहा है संचित, साइड लाओ सिद्धी जरा, माझ्यासोबत एक फोटो नाही काढला, अरे थांबो मोबाईल आपल्या डार्लिंग सोबत फोटो काढ। हाय बेब डार्लिंग, हाय चक्के ताळी नको करू। बजरंग वाली पड़े गए आमच्या फोटो, बस बस जोड़ून टाक जोड़ून टाक।
ये मालाड की जिंदा लाश लाश पड़ी हुई है यहाँ पर। बैल दमला काम मी सेल्फी घेतो एक फोटो पण काढ आमचा। हाँ फोटोच काढतोय। सो गाइस 3:30 बज गए और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पे। स्वीट वाटर लेक तो बहुत सही था, एंजॉय कर लिया बहुत कुछ एंड वर्थ है। सो इफ़ यू आर कमिंग टाइम निकल के आ जाओ, अच्छा खासा एंजॉयमेंट कर सकते हो। अगर ग्रुप रहेगा तो फिर वॉलीबॉल वगैरह जो भी गेम्स है वो आप चाहते हो वो खेल सकते हो। और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है अभी लोग का। जी ये लड़का गाली दिया, ये बहुत गंदा गाली देगा। धनंजय माने चला भंडारा साई का भंडारा खिचड़ी खिचड़ी नळे नळे मला मला नळे पण पाहिजे भाई। अरे तीन पिशव्या होत्या ऐकत आहे इकडे भाई कुठे आहे अनमोल एकदम वाटप चाललंय। हे मस्त एक माला घे पी राईस कोला तिकडे लाल वाला किती मोबाईल वापरणार हा हा ते दे ते गीते दे हेलो गाइस, जैसे कि सुबह हम लोग स्वीट वाटर लेक जाके आए और अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फिर चल रहे हैं एक क्लब में। वैसे तो क्लब का नाम पता नहीं है, जो भी एक हमारा बंदा है लिलीपुट क्लब को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा क्लब का नाम पता चला है लिलीपुट। और थोड़ी देर पहले जो हमारे फ्रेंड है आकाश, जिनकी वॉइस आप अभी तक सुन रहे थे, उन्होंने एक बार जमीन चाट ली है इसीलिए अभी चुपचाप पीछे आके बैठे हैं। फिर भी हमारे में इतनी मस्ती है कि हम ट्रिपला बैठे हैं अभी भी। हाँ अभी क्या है ना, मुंबई में ट्रिपला बैठने की आदत है। क्या है कि पांडू लोग को हम बड़ी अच्छे से संभाल लेते हैं, तो थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा कर लेते हैं, देखते हैं कि यार मुंबई गोवा में ट्रिपला चलता है कि नहीं। और चला और पांडू ने पकड़ा तो उनको किस तरह से हम हैंडल कर पाते हैं। सेम 200 रुपया देके छोड़ेंगे, 500 देंगे। हमारा ये कैलकुलेशन था कि स्कूटी मिल रहा था 700 में, तो हमारा दूसरा कैलकुलेशन ऐसा था पांडू मिला तो 500 दे देंगे भाई, 200 बचेंगे, बियर पी लेंगे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बली है। ए अपन कुल बंदो का जुड़ सुसार लाके बैठ